उनसे मैं मिलूंगा और उनका जितना नुकसान है उसकी दुगनी भरपाई करूंगा, दुगनी भरपाई करूंगा। विवेक ओबरॉय जल्द ही करने वाले हैं बड़े नुकसान की दुगनी भरपाई। विवेक डबल कॉस्ट पे करेंगे पिछले दिनों ग्रैंड मस्ती की प्रमोशन के दौरान नुकसान की। लेकिन आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि ये नुकसान है 25 समोसे की प्लेट का। रिसेंटली आपको जूम ने दिखाया था कि ग्रैंड मस्ती के लिए विवेक के फैन इंटरेक्शन से कैसे एक थिएटर ओनर विवेक से नाराज हो गए थे। ये भाई चला गया सीधा कैंटीन के अंदर और लोग टूट रहे कैंटीन के ऊपर से, समोसे की पूरी ट्रे गिर गई, 20-25 समोसे खत्म हो गए, सैंडविचेस खत्म हो गए। तो उसके बाप का क्या जाता है, वो तो भाग के, फिर पब्लिक उसके पीछे भागने शुरू हुई, भाग के गाड़ी में बैठ के चला गया, नुकसान तो मैंने भोगता ना। बस उन थिएटर ओनर की नाराजगी की बात जैसे ही जूम ने विवेक तक पहुंचाई, विवेक तुरंत उनकी फिल्म प्रमोशन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए राजी हो गए। उनसे मैं मिलूंगा और उनका जितना नुकसान है उसकी दुगनी भरपाई करूंगा, दुगनी भरपाई करूंगा। जी हाँ, ये तो रही विवेक की सफाई कि थिएटर की कैंटीन में उनके फैन इंटरेक्शन के दौरान कैसे कांच वगैरह टूट गया था। लेकिन जब जूम ने थिएटर ओनर से बात की तो उन्होंने वहाँ हुए नुकसान को कुछ ज्यादा ही बताया था। कल ऐसा हुआ कि उसको अंदर जाना, पब्लिक के बीच में नाचना था। ये इतनी सेंसिटिव पिक्चर है कि इसमें पब्लिक के बीच में नचाने का मतलब मेरा थिएटर पूरा नुकसान हो जाता था। इंद्र कुमार को जब मैंने फोन पे बोला कि क्या हो रहा है, तो बोले मनोज भाई मेरे काबू में नहीं है। बोला तो फिर काम को लाते हो आर्टिस्ट मेरे वहाँ। इसके पहले भी विवेक ने एक बार हमारे थिएटर में ऐसा किया है, इसलिए मैं बहुत कॉशियस हो गया था। जब मुझे पता चला विवेक आया है, मैंने पहले मेरे स्टाफ को बोल दिया उसको अंदर नहीं जाने देना। क्यों? वो चुपचाप जाता नहीं है, चुपचाप आता नहीं है, करता है अंदर। मेरे को तमाशा, अंदर का थिएटर बचा रह गया तो बाहर कैंटीन में नुकसान हो गया। नुकसान तो हुआ ही मेरा, विवेक को शोभा नहीं देता। वेल, ऐसे नुकसान के बाद थिएटर ओनर का इस तरह गुस्सा वाजिब भी है, पर लगता है ग्रैंड मस्ती के अपने जोशीले प्रमोशंस में विवेक इस छोटी सी बात को ध्यान रखना भूल गए कि बिना किसी सिक्योरिटी के पब्लिक के बीच जाने का गलत खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। और विवेक नहीं माने। थिएटर ओनर का आरोप था कि जब हॉल में जाकर व्यूअर्स से मिलने की परमिशन विवेक को नहीं दी गई, तो वो कैंटीन में चले गए जहां फैंस की अफरा तफरी में उनकी कैंटीन को काफी नुकसान हो गया। वहीं वो थिएटर ओनर जूम को बाकी स्टार्स के साथ अपना एक्सपीरियंस गिनाना नहीं भूले। सबको ये भूख लगी होती है पब्लिक को देखने की। वो कोई शाहरुख हो गया, चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख भी था, जॉन अब्राहम भी आके गया, लेकिन दे ऑल सेट इन माय केबिन। और जो इंटरव्यू दिए मेरी केबिन में बैठ के दिए। ये भाई चला गया सीधा कैंटीन के अंदर। वेल, अब विवेक ने जिद दिखाई या फिर वो थिएटर ओनर एक्स्ट्रा कॉशियस हो रहे थे, ये तो पता नहीं। पर इतना जरूर है कि विवेक को बांद्रा के उस थिएटर में अपनी फिल्म प्रमोट करने की इजाजत आसानी से नहीं मिली थी, जिसका सबूत मीडिया के कैमरास में भी कैप्चर हुआ। क्योंकि थिएटर ओनर ही नहीं, उस थिएटर के एम्प्लॉयज भी विवेक को आसानी से फिल्म प्रमोशन करने में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अरे क्या बात दादा, आप क्या बोल रहे हो? लास्ट टाइम तो किया था ना सर, लास्ट टाइम जो किया था आपको याद होगा, भी किया था ना आपको याद होगा, स्टॉल में भी गया था मैं लास्ट, पता है ना सर लास्ट टाइम क्या हुआ था, आपको भी पता है सर। उसका कोई मतलब नहीं है मुझे, मेरा नुकसान मुझे भुगतना पड़ा था लास्ट ईयर, आपको याद है प्रिंस के टाइम। ओके, लेकिन जब ये पूरा मामला जूम ने विवेक तक पहुंचाया, तो विवेक ने तुरंत उस थिएटर में जाने का इरादा कर लिया। शायद विवेक का ये इरादा कुछ तो नुकसान की भरपाई के लिए है, पर उससे ज्यादा विवेक का इंटेंशन शायद उन थिएटर ओनर से माफी मांगकर थैंक यू बोलने का है। उनका कहना है कि भाई जब भी विवेक आते हैं उनको कहते हैं कि इस जगह पे अगर आप मत जाइए तो वो वहीं जाएंगे और कुछ तोड़फोड़ हो जाती, मेरा नुकसान हो जाता है। तो मुझे लगता है मिलना चाहिए उनसे। मैं मिलूंगा और उनका जितना नुकसान है उसकी दुगनी भरपाई करूंगा। आई थिंक ये ऐसा हुआ है कि प्रिंस के समय जब मैं प्रमोशन करने गया था तो पब्लिक का जो उत्साह था, इतना जो क्रेज़ था, उसकी वजह से कुछ सीटें वीटें टूट गईं। और अब ग्रैंड मस्ती में हम ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करने गए तो कुछ कांच वगैरह उनका टूट गया, लेकिन पूरी भरपाई हम करें। एंड मनोज जी को हमेशा थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने हमेशा इतना सपोर्ट किया। वी होप जब विवेक का ये जेस्चर वो थिएटर ओनर देखेंगे तो उन्हें माफी जरूर मिल जाएगी और शायद विवेक को उस थिएटर में हुए नुकसान की दोगुनी भरपाई ना करनी पड़े। वैसे भी शायद उस दिन का नुकसान समोसे का नहीं बल्कि अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए किसी का प्लेटफॉर्म यूज करने का था, वो भी उसे नाराज करके।
फॉर रोशनी दुबे, जूम मुंबई।